बड़ी खबर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से आज फिर से होगी पूछताछ। आज लगातार तीसरे दिन संदीप घोष से पूछताछ की जाएगी। संदीप घोष को आज भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वारदात के समय संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर, इससे पहले भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की गई थी, आखिर जो संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है इसमें क्या पहलू है जिन्हें लेकर सीबीआई चल रही? देखिए, अभी तक दो दिन उनको बुलाया गया है। पहला दिन उनको बुलाया गया था और उसका बाद रात को छोड़ दिया, या फिर अगले दिन अर्थात कल सुबह 10 बजे फिर उनको बुलाया गया था, फिर उनको छोड़ दिया गया था। आज उनको कहा गया है कि पुराना जो रोस्टर है और 36 घंटे की जो ड्यूटी उनका रोस्टर से वो और रजिस्टर बुक उनको लेके पहुंचना है वहां पे, क्योंकि उस वक्त उस दिन कौन कौन हॉस्पिटल में थे कौन नहीं थे ये सब देखना उनके लिए जरूरी है। अब आज जब वो पहुंचेंगे उनको ये पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि जितना खबर हम लोगों के पास है कि ये पूरा मामले में तिलोत्तमा जो है, जो पीड़िता है, उनके जो दोस्त है उनको भी बुलाया गया था और उनसे भी पूछताछ किया गया था। उनका जो फियांसे थे उनको भी बुलाया गया था, पूछताछ किया गया था। आज फिर संजीव घोष को बुलाया गया है, उनको पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि पूरा वारदात जो हुआ है, जो वहां पे बाथरूम को तोड़ा गया है, दीवार तोड़ा गया है, ये सब मामले में उनको फिर से पूछताछ किया जाएगा। इसका कारण ये है कि जो बाथरूम तोड़ा गया है या तो फिर डॉक्टर्स रूम रिनोवेशन हुआ है, अचानक क्यों उसका रिनोवेशन हुआ, किसके चलते उसके रिनोवेशन किया गया, ये सब बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ये भी है कि पीड़िता के जो फादर है उन्होंने कहा है कि ऐसा हो ही सकता है कि मेरे लड़की को और कहीं पे हत्या करके सेमिनार रूम में लाया गया और कहीं ये रूम वही डॉक्टर्स रूम है जिसका वहाँ पे रिनोवेशन किया जा रहा है। अब ये पूरा मामला सीबीआई क्योंकि देख रही है, तो इसीलिए संजीव घोष उस समय प्रिंसिपल थे, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया था तो इसके बारे में पूछताछ किया जाएगा और उनसे उसका सबूत मांगा जाएगा। जी शुक्रिया आपका रविशंकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई सारे ऐसे बिंदु हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है और तीसरे दिन लगातार डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की जाएगी। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच और तेज हो गई। एक और बड़ी खबर, आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा संजय रॉय को लेकर, ये बड़ी खबर है। दिल्ली से कोलकाता पहुंच गई है सीएसएल की टीम, टेस्ट से आरोपी की मनोदशा के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच गई है। टीम आरोपी संजय रॉय को टेस्ट करेगी। टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम आरोपी के बारे में जानने की कोशिश करेगी और उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश की जाएगी। आरोपी संजय राय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन ही टूटे हुए हेडफोन और सीसीटीवी से आरोपी की पहचान के बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुका है। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 को अब लागू कर दिया गया है। अस्पताल के पास 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी है। आज से 24 अगस्त तक 163 को लागू करने का आदेश जारी किया गया है। 14 अगस्त की रात अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी आई थी इस पूरे मामले पर। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास आज से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। प्रशासन के जारी आदेश के मुताबिक कॉलेज के आसपास अगले 7 दिन यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाले किसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच 14 अगस्त की रात अस्पताल में अचानक हजारों की भीड़ घुस गई और तोड़फोड़ की। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कोलकाता कांड के बाद डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर यह पत्र लिखा गया है। अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग, अस्पतालों में सीसीटीवी से निगरानी होनी चाहिए, आईएमए की मांग है। कोलकाता रेप मर्डर केस के पीड़ित परिवार को उचित न्याय भी मिलना चाहिए। आईएमए ने खत के जरिए पीएम मोदी से डॉक्टरों के मामले में दखल देने की मांग की है। आईएमए ने मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए, जरूरी सुरक्षा अधिकारियों के साथ अस्पताल को सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए,
अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने के हालात में बदलाव किया जाए। अपराध की समय सीमा में जांच कर न्याय दिलाया जाए और शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिले। इधर कोलकाता में पीड़िता के परिवार ने कहा कि उसे न्याय की उम्मीद है। पीड़िता के पिता ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कोलकाता के आर्चिकर अस्पताल में रेप और हत्या की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पीड़िता के पिता ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। आदमी खड़ा हुआ है लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्या जस्टिस चाहते? जो आदमी जो किया है ये सब काम तो कुछ ने किसी किया है ना। मेरा लड़की तो अपने आप गुजार नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं। इधर कोलकाता में मृत डॉक्टर को डॉक्टरों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डॉक्टर्स ने मौन भी रखा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या की घटना के बाद डॉक्टरों ने मृत डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टरों ने मृत आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा। कोलकाता में डॉक्टर्स ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान डॉक्टर्स ने मोबाइल टॉर्च जलाकर विरोध जताया। दिल्ली में भी कोलकाता के मामले को लेकर आयुर्विज्ञान नगर के डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मालदा में एक संस्थान के फार्मेसी के छात्र का हॉस्टल से शव बरामद हुआ है। छात्र के परिवार ने कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के मालदा के एक फार्मेसी कॉलेज के हॉस्टल से फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के एक छात्र का शव बरामद हुआ। छात्र का नाम तौहीद करीम है। उसका शव 13 अगस्त को हॉस्टल में मिला। छात्र के पिता रेनाउल करीम ने कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज पर उनके बेटे की मौत की खबर नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। उनका ये भी आरोप है कि हॉस्टल का मालिक टीएमसी विधायक है, जिसके चलते पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुन रही है। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर में हिंसा के बाद हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। प्रशासन ने 24 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बंद की सीमा भी बढ़ा दी है। उदयपुर में बफाल के बाद से धारा 163 लागू है। उदयपुर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। स्कूली बच्चों के झगड़े के बाद हिंसा हुई थी। स्कूली बच्चों के झगड़े के बाद फैली हिंसा के बाद 24 घंटे के लिए प्रशासन ने इंटरनेट बंद रखा, जिसकी मियाद कल रात 10 बजे खत्म हो गई, लेकिन तब भी हालात नहीं सुधरे, जिसके बाद एक बार फिर उदयपुर शहर समेत 8 जगहों पर इंटरनेट को अगले 24 घंटे तक यानी 18 अगस्त की रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। कल प्रशासन ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला दिया। पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया। बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी ने 10 करोड़ से अधिक लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने को लेकर सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को दी। अमित शाह ने कहा कि पार्टी विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाए। 1 सितंबर तक 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण 1 से 25 सितंबर तक और दूसरे चरण के तहत 1 से 15 अक्टूबर तक अभियान चला जाएगा। इसके बाद पार्टी 16 से 31 अक्टूबर के बीच सक्रिय सदस्य अभियान चलाएगी। बीजेपी की जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी की जम्मू में अहम बैठक है। पहले फेज के टिकट बंटवारे पर इस बैठक में मंथन होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी जी कृष्ण रेड्डी आज राज्य में अहम बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में प्रदेश में पहले फेज के चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर मंथन की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां 90 सीटों पर सितंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ अलग से बैठक कर राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण और जी किशन रेड्डी समेत कई नेता मौजूद थे। और वहीं चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक रह चुके चौधरी जुल्फिकार अली को लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व पीडीपी नेता चौधरी जुल्फिकार अली ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चौधरी जुल्फिकार अली अपनी पार्टी से पहले पिछली बार महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के टिकट पर विधायक बने थे। क्यों हमारे इलाके के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके रिलेटिंग में आज देश के गृह मंत्री जी से मिला था और उनसे मैंने डिटेल में बात की। और दूसरा, अब इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन को लेके पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बात हुई है। चुनाव से पहले हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को तगड़ा झटका लगा है। जेजेपी के 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। हरियाणा में भी चुनाव के ऐलान के बाद पार्टियों के बीच हलचल तेज हो गई है। दल बदल नेता टिकट को लेकर दूसरे दलों से जुड़ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 2 दिनों में जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं। देवेंद्र बबली, अनूप धानक, ईश्वर सिंह, रामकरण काला ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने दूरी बना ली है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी से बड़ी खबर है, शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज मुख्यमंत्री ने बुलाई है अहम बैठक। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बैठक में चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बीसी शिक्षा विभाग में हलचल तेज है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार मामले को लेकर महाधिवक्ता से भी राय लेगी और उसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से मामले को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। यूपी पुलिस में इसी महीने 60,000 लोगों को भर्ती होने जा रही है। 60,000 लोगों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया है। 20% नौकरियां बेटियों के लिए आरक्षित। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 भर्तियां होने वाली हैं। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में किया है। 60,000 भर्ती में 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी ताकि वो शोधों का ठीक से उपचार कर सके। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे जिससे सड़कों पर शोधों को ठीक उपचार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दरिया दिली एक बार फिर से एमपी के बुधनी में देखने को मिली। यहां पर सड़क पर घायल एक परिवार की महिला को अपने काफिले के एम्बुलेंस से अस्पताल उन्होंने भेजा। देखने की बहन चल गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रेहटी जाते समय की ये तस्वीर है, जहां रास्ते में एक महिला घायल अवस्था में मिली। रुककर उन्होंने उसका हाल जाना। कहां के हो? मंदसौर से। इनको भिजवा दे सर। कैसे ले जाओ? महिला चलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने सावधानी बरतने की हिदायत दी। स्ट्रेचर लाया गया और महिला को काफिले के एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। डीबीटी के माध्यम से योजना की राशि लाभार्थियों को भेजी जाएगी। हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के मौके पर बहन बेटियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1,000 रुपए की राशि हर महीने भेजी जाएगी। योजना की शुरुआत के मौके पर आज वो पाकुड़ जिले में बहन बेटियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त यानी सम्मान राशि भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की शुरुआत की और कहा कि लाभुकों के खाते में हर महीने की निश्चित तारीख पर ये मुख्यमंत्री मैया योजना की राशि पहुंचाना सुनिश्चित करें। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 3 पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 3 पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए ये एक्शन लिया गया है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है।
आरोपी पुलिस कर्मियों की तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर इलाके से सामने आई थी, जिनमें पहले को एक शख्स को रुपए फेंकने के लिए कहते हैं और फिर तीन ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपस में पैसा बांटते दिख रहे हैं। इसी के बाद इन आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। खबर मुंबई से। मुंबई के एक लोकल एसी ट्रेन में 15 अगस्त को हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि अंधेरी से विरार के बीच टीटी के साथ ये मारपीट हुई। आप देखिए, मुंबई के लोकल ट्रेन में जिस शख्स को मारा पीटा जा रहा है वो टिकट चेकर बताया जा रहा है। बताया जाता है कि अपनी ड्यूटी के दौरान टीटी ने यात्रियों से टिकट मांगा, टिकट नहीं होने पर पकड़े गए तीन लोगों से जुर्माना भरने को कहा। इतने में तीनों आपा खो बैठे और मारपीट करने शुरू कर दी। टीटी को धक्के देने के बाद उसका गला तक पकड़ लिया। अगले स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस बल मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपियों को ट्रेन से बाहर निकाला गया और रेलवे टीटी से माफी भी मांगने को कहा गया। मध्य प्रदेश में टीवी 9 भारत वर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने 15 दिनों के भीतर हाईवे और शहर के प्रमुख मार्गों से गाय सहित आवारा मवेशियों को हटाने का आदेश जारी किया। चार दिन पहले हमने आपको भोपाल की खबर दिखाई थी। इस खबर का असर ये हुआ कि राज्य के मोहन सरकार ने हाईवे और शहर के प्रमुख मार्गों से गायों सहित आवारा मवेशियों को हटाने के लिए 5 अधिकारियों के एक समिति का गठन किया है, जो 15 दिनों का विशेष अभियान चलाकर आवारा मवेशी को शिफ्ट करेगी। इस समिति का अध्यक्ष गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को बनाया गया है। TV9 भारतवर्ष ने भोपाल सागर हाईवे पर बैठी गायों के कारण हो रहे हादसों को लेकर पड़ताल कर दिखाई थी। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश में करीब 2000 गौशालाएं हैं, वहीं आवारा मवेशियों की संख्या करीब 9 लाख है। इधर ग्वालियर में हादसे के बाद एक रियासत काल की सुरंग का पता चला है। बारिश के बाद दरअसल सड़क धंसने के बाद एक कार सुरंग में धंस गई और उसके बाद ये सब कुछ सामने आया। बारिश के बाद ग्वालियर के पिछोर कस्बे में रामलीला मैदान की मिट्टी धंस गई और साथ में वहां खड़ी कार भी उसके अंदर समा गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार किस तरह मिट्टी में धंसी है। इस घटना के बाद लोगों के बीच कौतूहल की स्थिति बन गई, क्योंकि जहां कार धंसी वहां एक सुरंग का पता चला, जो राजा रजवाड़ा खानदान से जुड़ा बताया जा रहा है। पिछोर कस्बे के पहाड़ पर राजा का महल है, जहाँ राव हमीर देव की रियासत थी। बताया जाता है कि आपदाओं से बचने के लिए किले से लेकर रामलीला मैदान तक बाहर निकलने के लिए सुरंग बनाई गई थी। इस सुरंग के पास धंसी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बात करते हैं विनेश फोगाट की। पेरिस से लौटी विनेश फोगाट का चरखी दादरी के बलाली गांव में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश फोगाट ने कुश्ती में वापसी के संकेत दिए। हरियाणा में पेरिस ओलंपिक में शामिल होकर लौटी पहलवान विनेश फोगाट का चरखी दादरी में उनके पैतृक गांव बलाली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें सम्मानित भी किया। इस रेसलिंग को मैं तोड़ना चाहती हूं, मुझे मतलब नहीं पता कि मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं तोड़ दिया है, मैं करूंगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे तो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूं कि उसको मैं सही दिशा में सही जगह पे पहुंचूं। बलाली गांव पहुंचने से पहले भी विनेश का कई जगहों पर स्वागत किया गया। और इस बीच बड़ी खबर बरमूडा से है। नेस्ट्रो तूफान ने बरमूडा में भारी तबाही मचाई है। तेज हवा और बारिश के चलते बरमूडा में काफी नुकसान हुआ है। आप देखिए वहां के हालात। तेज हवाओं और बारिश के साथ तूफान अर्नेस्टो ने बरमूडा में जमकर तबाही मचाई। तूफान में 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अटलांटिक महासागर में 35 फीट ऊंची लहरें उठती नजर आई। तूफान के बीच समंदर में नावें हिलती दिखी। बरमूडा के कुछ हिस्सों में बिजली गुल कर दी, पेड़ गिर गए और बाढ़ आ गई। तूफान के चलते द्वीप संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने बरमूडा में तेज हवाएं, बारिश और तेज लहरें आने की उम्मीद जताई है। खबर लंदन से है। लंदन के समरसेट हाउस में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम को लगाया गया। तस्वीरें लंदन के ऐतिहासिक समरसेट हाउस कल्चरल सेंटर में लगी आग की है। समरसेट हाउस में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग को बुझाने के लिए 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम को लगाया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रेन और मॉडर्न मशीनों के जरिए फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। चारों ओर से पानी की बौछार की गई। कर्मचारी इमारत की छत के एक हिस्से में लगी आग पर काबू करते नजर आए। हादसे के बाद समरसेट हाउस को पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के हालात पर टीवी 9 से बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बंगाल में उल्टा पुल्टा राज है, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया। आरजीकर अस्पताल में गुंडा राज है, मुझे और जनता को सीबीआई में विश्वास है, इंतजार कीजिए बेटी को न्याय मिलेगा। और एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा राष्ट्रपति शासन संवैधानिक मामला है, इस पर अभी कोई बयान नहीं दूंगा, समय आने पर फैसला बताया जाएगा। सर, सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो घटना हुई है उस घटना को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और जब आप वहां गए तो आपने क्या देखा? पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुखी बात है। गुड्डाओं का राज है वहां, बाहर से आने वाले बदमाश लोग ये छात्र छात्रियों से को धोखा देता, देर ऑल अफ्रेड, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड, देर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देर, इट्स अ काइंड ऑफ गुंडा राज विच इज हैपनिंग देर, दैट इज द जनरल फीलिंग गिवन टू मी बाय द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड द पैरामेडिकल्स। सिचुएशन इज वेरी बैड, वेरी डिस्टर्बिंग। स्टूडेंट्स का कहना है कि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक हफ्ते पहले एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके एक हफ्ते बाद फिर से लोग आते हैं और पूरे सब कुछ को तोड़ताड़ के चले जाते हैं। सिक्योरिटी ठीक नहीं, कोई हॉस्पिटल्स में कोई सिक्योरिटी नहीं, गुंडा लोग बाहर से आ सकता है, रात में हो हंड्रेड्स ऑफ गुंडास आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर आया, रानसा किया, लड़की लड़कियों को थोका दिया, मेडिकल फ्रेटर्निटी स्केयर्ड, दे केम टू मी एस्पेशली द गर्ल्स, दे सेड वी वुड लाइक टू लीव द प्रोफेशन, आवर पेरेंट्स आर आस्किंग अस लीव इट, गिव बैक द बॉन्ड अमाउंट, our life is more important than the degree, that is a situation which is prevailing in the hospitals in Bengal now. Sir, agar hum law and order ki baat kare to aapko lagta hai ki jo government hai, local government ki main baat kar raha hu, wo is tarike se nahi hai ki wo un logon ko security de sake ya unki shah pe ye sab kuch ho raha hai? Logon ko security dena government ka kartavya hai. West Bengal governor गवर्नमेंट इसमें फेल हुआ है, टोटल फेलियर, दैट इज अ बिजार सिचुएशन विच वी आर सीइंग इन बंगाल, एवरीथिंग उल्टा पुल्टा राज, दैट डज नॉट ब्रिंग क्रेडिट टू एनीबडी डाउन द लाइन। हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वर्धमान में हो, आसनसोल में हो या आरजेकर में हो, आपको लगता है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसी रिपोर्ट बन के प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रही हैं? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसके बारे में मैं कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ऑप्शंस हैं, वे सारे ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, जो डिसीजन लेता है उस टाइम में पब्लिक में बताएगा, अब तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा। एक आखिरी सवाल, सीबीआई के आने से आपको लगता है कि जो दूध का दूध पानी का पानी है वो हो पाएगा और लोगों को वो जस्टिस मिल पाएगा जिस जस्टिस की वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस से तो सब लोगों का विश्वास उठ गया है? मुझे सीबीआई में विश्वास है, जनता को सीबीआई में विश्वास है, लेट अस वेट, सीबीआई सच को साबित करेगा, जरूर करेगा, हाईकोर्ट के हाईकोर्ट का वो जस्टिस देगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींजे सौकड़े ऋतुआए फल होई। लेट्स कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ी खबर, दिल्ली से मनोवैज्ञानिक भी कोलकाता पहुंच गए हैं, सीबीआई टीम में मनोवैज्ञानिक भी शामिल हैं।
ये सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं, पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे।